शुरुआत की लेंथ ही वंदे मातरम में वहीं से शुरू हो जाता हूँ। अभी इन्होंने गाया खा किसी की थुरे, देश की रक्षा के लिए भी आज देखो वंदे मातरम हम कहते हैं माँ को, माँ तुझे सलाम। इस धरती को माँ मानते हैं, माटी का टुकड़ा नहीं मानते, माँ मान करके पूछते हैं। और इस धरती पर ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग दंगे करा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, दिल्ली के अंदर हिंसा करा रहे हैं सत्ता पाने के लिए। इससे ज्यादा घिनौना काम नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर बिजली पे बात, बिल्कुल कोई इल्जाम मैं गलत लगा दूं तो यही इसी लोग जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, लक्ष्मीनगर में रहता हूं, क्षेत्र में एक बार गीता कॉलोनी विधानसभा थी, मैंने चुनाव भी लड़ा है, तो यहां पे जितने भी हैं चाहे किसी भी दल के हो मैं सबको अच्छे से जानता हूं, मेरे मित्र हैं, कोई इल्जाम गलत नहीं। शाहीन बाग, जाफराबाद, मुजफ्फराबाद, ये सारे बादों में अगर देखोगे आप हुआ क्या, सबके सामने है, लोगों ने क्या किया है सबके सामने वीडियो है, लोगों को हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं सत्ता के लिए, आखिर किस लिए? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर आप बात करना चाहेंगे तो जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इस क्षेत्र में आप 5 साल पहले भी आए थे, अभी आपने बताया, और आज देखें इस क्षेत्र में आते वक्त यहाँ की सड़कों की हालत क्या है, यहाँ के सीवर की हालत क्या है, गंदा पानी पीने को मिलता है, बिजली के नाम पे 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केजरीवाल बिजली कंपनियों को दे चुका है। देखिए साहब, मैं एक बात हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा, चाहे शो करूं चाहे ना करूं, और वो ये, केजरीवाल कहता रहा नहीं, केजरीवाल जी कहते रहे, प्रधानमंत्री जी, और ये रहेगा चाहे मैं शो करूं चाहे ना करूं। आप हमारे शो में राहुल जी ही बोलेंगे, राहुल जी और कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरे शो का नियम है। तो इसलिए आदर और प्रतिष्ठा के साथ मैंने नवीन जी की इस लाइन को ठीक कर दिया, अगली बार वो नहीं बोलेंगे। नाउ टाइम स्टार्ट्स योर्स, आम आदमी पार्टी 10 सेकंड आपके। देखिए, देश और देश की व्यवस्था को तो हम जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत चरमराई हुई है और लोग बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर हम दिल्ली में आ जाएं तो दिल्ली में, यहाँ पे हम कृष्णानगर में खड़े हैं, 5 साल पहले भी आप आए थे, आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं। 5 साल पहले और 20 साल पहले में अगर हम फर्क करें तो यहाँ की 70% रोडें बन चुकी हैं और 30% रह गई हैं, वो 30% भी अगली बार में बन जाएंगी। और इस बार का जो चुनाव है वो अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए होने वाला है, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, दिल्ली के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना, लोगों के रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ना। दिल्ली आज पहली बार मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और यही हमारे मुद्दे रहेंगे इस बार की शिक्षा और स्वास्थ्य। दस सेकंड इनका होगा। देखो भाई, एक बात बता दें आपको, मेरे 2 आंखें नहीं है, 8-10-12 आंखें, जितने लोग खड़े उतनी आंखें हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छा काम किया तो तुम्हारे अच्छा काम मतलब चुनाव नहीं लड़ना है, अच्छा काम से मतलब यह है कि अच्छी तरह से बैठे, अगर तो सेल्फी खिंचवाऊंगा तुम्हारे साथ।